फिर से अपील करना चाहता हूं यहां की आवाम से कि जम्मू कश्मीर के अमन अमान के लिए वो प्लीज आगे आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जम्मू और कश्मीर की एक और पीढ़ी अंधेरे में गुम हो जाए। बातचीत सबसे हो सकती है, बातचीत के लिए लाइक माइंडेड होना जरूरी नहीं है, लेकिन राइट माइंडेड होना जरूरी है। जो इस रमजान के मुकद्दस महीने में भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, क्या उनकी इस फितरत को नापाक नहीं कहा जाना चाहिए? और मैं कहना चाहता हूं, नौजवान बच्चों को गुमराह करना ये धोखा ही नहीं है उनके साथ, बल्कि जुर्म है, जरायम है। मत भूलें, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत, सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बंदूक उठाने वालों का जमहूरियत में यकीन है? आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि हम जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान चाहते हैं, गाली से नहीं बल्कि गले लगाकर। क्या चाहिए? और जब हम कश्मीरियत की बात करते हैं तो कश्मीरियत में हजरत बल भी है और अमरनाथ भी है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आतंकवाद को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्रय दे रही है। उन्हें समझना चाहिए आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई ईमान नहीं होता है। कब किसको निगल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमारा पड़ोसी देश है, पता नहीं क्या हो गया, पहले ही हम लोगों ने कहा सबसे बात करेंगे, लेकिन कम से कम हमारा पड़ोसी देश जो बैठा है पाकिस्तान, अपनी धरती से तो कम से कम आतंकवादी गतिविधियों को न होने दे। और कभी कभी तर्क देते हैं कि हम भी आतंकवाद को रोकना चाहते हैं। आप यदि आतंकवाद को नहीं रोक पा रहे हो तो अपने पड़ोसी देश का सहयोग क्यों नहीं लेते हो आतंकवाद रोकने में, कि आपकी धरती से आतंकवाद न हो? भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन्स हैं दुनिया के, सारे इंपॉर्टेंट रिलीजन्स के लोग दुनिया के किसी एक देश में रहते हैं तो भारत में रहते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।